and this lecture number is 2 now let's start firstly role of rbi student in india rbi reserve bank of india issues note on behalf of the central government and issuing the currency of notes uh, it is the currency authority okay to banker to government and banker bank comes supervisor and monetary regulation and management and exchange management and control collection of data and publication ये रोल किसका है आर का तो स्टूडेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्टली इट इज अ प्रोमिसरी नोट कैन एंड कैन बी यू इशूज ओनली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विच सुपरवाइज ऑल मनी इज रिलेटेड द फंक्शन इन द इकोनॉमी एंड दिस स्टेटमेंट जस्ट रोल ऑफ इम्प्लाइज द आर बी आई इज द सेंट्रल ऑर्गेन्स इन द वर्किंग ऑफ मनी रिलेटेड एंड एक्टिविटीज ओके तो होल पार्ट ऑफ डिस्कस द रोल Now, student currency. Student currency is the modern forms of money include currency, paper notes, coins, and like the things, and that were used as money. But earlier time student, ki modern currency is not made of precious metal and such as gold, silver, and copper. And uh, are you know that? Ke,

वो कैलेंसी ऑथराइज होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री तो इन इंडिया आर बी आई इज इशूज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एज अलाउड टू इशूज द करेंसी तो मोर एवर द लॉ द यूज़ ऑफ रुपीज एज मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज अगर उस गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज़ किया तो वो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता इन सेटलिंग द ट्रांस इन इंडिया नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली एंड रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ तो हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आई एज यू नो डैट अ स्टूडेंट कि आज हम लोग इस नोट्स को एक्सेप्टेड क्यों हैं क्योंकि ये ऑथराइज है और आपको हम इसमें एक एग्जाम्पल बताएंगे जब डिमोनेस्टाइजेशन आया था स्टूडेंट तो गवर्नमेंट्स ने नोट्स को बैन कर दिया और वो उसको बताया कि ये लीगल है ये एक्सचेंज नहीं हो पाया कि. तो डैट इज़ गवर्नमेंट ही ऑथराइज करती है गवर्नमेंट ही उसको इनलीगल बता सकती है तो दट इज मेन पार्ट ऑफ रोल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शूज नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट सी डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट करेंसीज, जस्ट यूएसए डॉलर ब्रिटेन पाउंड एंड स्टीलिंग एंड कनेडा इज कैनेडियन डॉलर सिंगापुर सिंगापुर डॉलर एंड इंडियंस डूपीज ओके नाउ deposits money in banks deposit in money in bank the other form in which people hold the money is as deposit with bank at the at the main point time of people need only some currency for their day to day needs so for instance worker who receive their salaries at the end of each month हैव एक्स्ट्रा कैश अगर हमारी सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा कैश है तो एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ वॉट डू पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश दे डिपोजिटेड विद बा बैंक ओके बैंक में वो डिपोजिट करता है बाय ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन देअर नेम अकाउंट होल्डर आप जानते हैं आप को क्लियर है कि बैंक में अकाउंट होता है वहाँ पर हम लोग अपने पैसे को डिपोजिट करते हैं तो बैंक एक्सेप्ट अ डिपोजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओके सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग जस्ट एफ डी जस्ट टाइप्स ऑफ डिपोजिट मनी इन बैंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की डिपोजिट इन दिस वे ऑफ पीपल मनी इज सेफ विद विद अ बैंक वो उनको ये लगता है कि जो हम मनी से यहाँ हम सेफ करेंगे हमारी मनी यहाँ पर सेफ रहेगी एंड विद इंटरेस्ट है तो मनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट तो इन दिस वे ऑफ पीपल मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्नस एंड Amount as interest. So people also have the provision to withdraw the money as when they require need have a withdrawal So since the deposits in the bank accounts can be uh, withdrawal on demand. So these deposits are called deposit money in banks. Student people need only some currency for their day-to-day -day needs, and people deposit the extra money with the money. Uh, banks of opening uh, bank account in their name So student are you know they deposited with the banks by opening the bank account in their name and bank accepted the deposit and also pay an amount as interest interest on the डिपोजिट उस पर कुछ इंटरेस्ट देती है जस्ट सेविंग अकाउंट इन दिस वे ऑफ पीपल मनी इज सेव विद द बैंक वो उन्हें लगता है, ये हम जो पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा ये हमारा सेव भी हो रहा है एंड विद द इंटरेस्ट ऑल्सो तो विद द बैंक एंड इट अर्नस एन अमाउंट एज इंटरेस्ट एंड पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉल द मनी एज वन डे रिक्वायर जब उन्हें नीडेड वो विदड्रॉल कर सकते हैं एंड सिंस द डिपोजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉल ऑन जब हम विद्रॉल करते हैं तो ऑन डिमांड दीज डिजिट आर कॉल्ड डिमांडिट तो वेरी सिंपल वर्ड इज स्टूडेंट कि डिमांडिट मीन्स की द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट डेट कैन बी विद्रॉन ऑन द डिमांड इट इज कॉल्ड द डिमांड डिपोजिट ओके नाउ नेक्स्ट चेक स्टूडेंट चेक चेक वेरी इजिली टू ट्रांजेक्शन जस्ट Firstly, a deposit in a bank offer, the customer, the facility issues the cheque, okay, issues the cheque. Uh, cheque is instead of cash, okay, for payment through a cheque, the, uh, the payer who has an account with the bank and makes out of cheque for a specific amount. A cheque is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person. So, in whose name is the cheque has been issued? ओके okay, तो दिली में, में सी चेक सी सैम्पल देखिए पे करना कैसे पे के नेम लिखना फिर डेट फिर आपका रुपीस फिर अकाउंट पे ही, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है और ये सारी बैंक की डिटेल्स होती है तो इस चेक यूज़ करने का पर्पस क्या है स्टूडेंट बिकॉज डिमांड आप आर यू नो डाइट कि हमें हम कैश को विड्रॉल करते हैं तो क्या हमारा बेनिफिट मतलब बेनिफिट तो दोनों में लेकिन ट्रांसैक्शन हमारी इजीली जो होती है वो चेक से हमें जाना भी नहीं पड़ता है हम हो सकता है कि बैंक से हम पेमेंट निकालने गए हो सकता है कि चोरी हो जाए या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये इससे बेटर है कि हम चेक का यूज़ करते हैं तो हमारे मनी जो है सेफ रहती तो दिस इज़ द सेफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी एंड अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमने अभी फंक्शन बताया था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो हम मनी के आने से हमारी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हम किसी के भी अकाउंट में ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं चेक के थ्रू और कैश के थ्रू एट्सेट्रा तो ये हो गया चेक पेमेंट ओके स्टूडेंट तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड किसके नाम पे है द रिसप ऑफ देक कैन डिपोजिट इन ओन अकाउंट इन हिस्स बैंक तो द मनी ट्रांसफर फ्राम वन बैंक टू अकाउंट टू अनेदर अकाउंट इन कपल ऑफ डेज एंड द ट्रांसैक्शन इज कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश यहाँ पर हमें कोई कैश नहीं पेमेंट करना पड़ा और दिस इज द वेरी सेफ मोड के ट्रांसफरिंग मनी एंड अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थेफ्ट और इससे हमारे थेफ्ट से भी बचे कोई हमारी चीजों को चोरी और ये सारी चीज़ों से हमें सेफ रहे तो ये हमारा सबसे मेन गुड पर्पस था चेक पेमेंट का लेट्स सी चेक नाउ फर्स्टली सी द इन दिस पिक्चर बरोवर एंड डिपोजिटर वॉट वर्किंग बिकॉज दिस इज द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक जो बैंक में हमने पैसे को स्टोर किया कि वॉट डू द बैंक विद द डिपॉजिट जो हमारा डिपोजिट है वो क्या करती तो वॉट डे एक्सेप्ट फ्राम द पब्लिक वैसे वो तो देयर इज एंड इंटरेस्टिंग द मैकेजम एट वर्क हेयर यहाँ पर एक मैकेजम होता है कि बैंक की ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद फॉर एग्जाम्पल की बैंक इंडिया डीज डेज होल्ड अबाउट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द डिपॉजिट एज कैश तो दिस इज दैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हमें जरूरत पड़ी तो फ्रॉम द बैंक एनी गि डेज अगर मान लीजिए सौ लोगों ने वहाँ पे पैसा जमा किया और दो लोग को वहाँ पर नीडेड या तो तो कुछ पैसे वहाँ पर वो सेव रखती है कि उस टाइम पे वो दे सके अब मान लीजिए हमें अपने पैसे पूरे निकाल लें तो बैंक उतना परसेंट अपना कुछ वहाँ पर सेव रखती है बैंक में कि वो कभी भी आके विड्रॉल कर सकते हैं तो ओनली सम ऑफ दिस मेनी डिपॉजिटर सम विड्रॉल कैश द बैंक एबल टू मैनेज विद देयर कैश तो बैंक यूज़ द मेजर प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन्स ऑल्सो तो अब इससे बैंक को क्या प्रॉफिट है क्या प्रोसेसिंग से इस प्रॉफिट तो बैंक को ये प्रॉफिट है कि सपोज करिए कि फाइव परसेंट जो डिपोजिटर थे उनको इंटरेस्ट दिया और जो लोन लेने आए थे बरोवर्स तो पीपल टेक लोन्स बरोवर तो वो जो लोन्स लेने आए उनको उनको उन पर जो इंटरेस्ट लगाया वो एट परसेंट लिया तो थ्री परसेंट होल किसने किया बैंक ने तो ये उसका प्रॉफिट हो गया तो ये डिफ्रेंश आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो एट परसेंट हम जैसे एट परसेंट बरोवर से इंटरेस्ट लिया फाइव परसेंट जो है उनको दिया डिपॉजिटर और जो हमने उसको लेस करा माइनस किया तो जो थ्री परसेंट उसका डिफरेंस आया वो होल प्रोसेसिंग पे जो उसका इंटरेस्ट मिला वो बैंक का हो गया तो ये इस तरीके से बैंक अपने वर्क को कंप्लीट करती है तो आपने देखा या इस फिगर में मैंने समझाया कि आपको बैंक यूज़ द मनी प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन्स यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके एंड जस्ट कार लोन सपोज करिए प्रॉपर्टी लोन एक्स्ट्रा जो भी लोन है तो बैंक मेक यूज़ ऑफ़ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट और उनको विद ऐसे लोन नहीं दे देती उसमें क्वाल लेती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ए, 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 एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देती है तो लोन रिक्वायरमेंट ऑफ़ द पीपल इन दिस वे कि बैंक मेडिटेट बिटवीन दोज हुव सरपुलस फंडिपोजिटर एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड बरोड बैंक चार्जेस आर हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड देन वॉट डे ऑफर ऑन डिपोजिट आर द डिफरेंस बिटवीन की वॉट इज चार्ज फ्राम बरोवर एंड वॉट इज पेड टू डिटेड इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम तो इस तरीके से बैंक अपने वर्क को कंप्लीट करती है तो स्टूडेंट आर यू नो डैटरल तो कोलेट्रल मीन्स इज एन एसिड विच सच एज लैंड बिल्डिंग लाइफ स्टॉक एंड डिपोजिट विद बैंक डेट द बरोवर ओन्स एंड यूज दिस एज गटी टू अ लैंडर एंडिल द लोन इज रेप तो इस तरीके की बरोवर से एक गारंटी ली जाती है किस फॉर्म में कोलेट्रल फॉर्म में ओके नाउ थैंक यू स्टूडेंट